हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप WH वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो कोई छूटे नहीं, सारी वीडियो आप देख लें। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज सर्दियों के मौसम का बिजनेस जो केवल सर्दियों में ही चलता है, क्योंकि दोस्तों लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर्दियों में क्या बिजनेस करें क्या नहीं करें। आपने देखा होगा दोस्तों कि लोग बाल क्या करते हैं, ये वाला बिजनेस कर लो, वो वाला बिजनेस कर लो, उसमें इतना फायदा है, उसमें इतना नुकसान है, इतना फायदा होगा। 100 रुपये का बिजनेस करो 1000 रुपये कमाओगे, 1000 से काम करो 1 लाख कमाओगे, ये सब फेंक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम 500 1000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 50 हजार रुपये कमा लें, 1 लाख को हम कमा लें। अगर इस तरीके से कहना आसान है, यानी कि हम कह तो सकते हैं कि दोस्तों ये दो काम कर लो वो काम कर लो, मैं आपको दोस्तों वो काम बताऊंगा जो मैंने खुद ने किया है और उसमें मुनाफा भी है। और ये नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको मार्केट लेकर भी जाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा भी कि मार्केट में क्या क्या चीज सर्दियों में बिकती है। दोस्तों, गर्म मोजा, टोपे जो बच्चे पहनते हैं, क्योंकि अब नवंबर चल रहा है दोस्तों, आज 25 नवंबर है, अभी बच्चों का चल रहा सीजन, दिसंबर लगेगा जनवरी लगेगी, उसमें फिर बड़ों का स्टार्ट हो जाएगा गर्म लेना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम 1000 या 500 रुपए से काम स्टार्ट कर रहे हैं और करने के बाद कहते हैं ना यूट्यूब पर आके बार बार बोले वो 5000 1000 रुपए से काम करो और 5000 रुपये रोज कमाओ, ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें दिलवाओ यार अगर ऐसा है तो काम, ऐसा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम कम पैसों से कर रहे हैं और इतने पैसे कमा ले। हाँ, इतना है कि हम जब काम करेंगे दोस्तों तो हमें मजदूरी होगी, हमें फायदा होगा, हमारी जो घर की दाल रोटी है वो चलती रहेगी, जो हमारे खर्चे हैं वो दूर रहेंगे। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर हम घर बैठते हैं एक दिन अपना खराब करते हैं तो हमारे पैसे उठेंगे, 500 रुपये उठे हैं, 1000 रुपये उठे हैं, उठेंगे ना घर पे। अगर हम वो उसी दिन काम पे चले जाएं और पैसे, मतलब सॉरी दोस्तों, बलि आ गया था, परेशान कर रहा था, मैंने उसे अंदर को कह दिया। तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ये वाला बिजनेस कर लो, ये वाला वो कर लो, मैं आपको लेकर जाऊंगा लाइव, क्योंकि मैंने खुद ने ये काम किया, हमारे घर पे खुद ये काम होता था और मैंने बहुत मतलब किया है, तो इसलिए आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं 1000 रुपये। तो अब आपको दोस्तों, मैं अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो आपको एक एक चीज़ बाजार में लेकर जाऊंगा, मैं बाजार में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बाजार में लेकर जा रहा हूँ, बिल्कुल तैयार रहिए, उसमें मैं आपको ऑडियो में बोल के सब बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप समझदार हो, पैसे लगाओगे तो इंशाल्लाह आपका कारोबार सही चलेगा। उसके बाद आप जब सर्दियाँ जाने लगे, यानी कि फरवरी का महीना आ जाए, तो आप अपना बिजनेस रोक दें दोस्तों। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इतने रुपए लगाओ इतने रुपए लगाओ, आपको सर्दियों का नंबर 1 बिजनेस बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आइए तो लेके चलते हैं, ज्यादा हम बात नहीं कर रहे, ठीक है दोस्तों, चल रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं लेकर आपको डूंगरपुर की बाजार में, यानी कि यहाँ पे एक ग्राम है जो डूंगरपुर के नाम से है, और इन भैया की दुकान पे देखिए दोस्तों, सभी गर्म माल है, क्योंकि नवंबर का लास्ट महीना है और दिसंबर लगने वाला है। पूरी दुकान पे देखिए किस तरीके से इन्होंने दुल्हन बना रखी है, दुकान को सजा रखा है, सारी ही चीज़ें इनके पास आपको मिलेंगी गर्म, क्योंकि गर्मी तो है नहीं, सर्दियों का मौसम है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं हम दूसरी दुकान पर। देखिए आ गए हैं छोटे बच्चों के टोपे लेकर, ये देखिए जाड़ों का बिजनेस कितना बढ़िया होता है, जाड़ों में टोपे होते हैं, बहुत ही कम पैसों में आ जाते हैं दोस्तों, तो बाजार में बेच के बहुत अच्छा मुनाफा इनमें मिलता है। इसलिए देखो ये सब बच्चों के टोपे बिक रहे हैं यहाँ पे, चारों तरफ गरम टोपे इन भैया ने लगा रखे हैं,
देखिए सब इनकी पूरी। जिधर भी नजर डालिएगा उधर गर्म ही गर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर्दियों में सिर्फ गर्म ही माल बिकता है। कहीं भी आप जाइए, ये देखिए ये हजरत कितनी बढ़िया तरीके से दुकान लगा रहे हैं। हुड वगैरह है, और जनक क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं, बड़ों का छोटों का। ये भैया की दुकान देखिए इनकी, इन्होंने सब तरीके की जैकेट लगा रखी हैं। और ये भाई देखो बच्चों की भी जैकेट बेचते हैं और जर्सियां भी बेचते हैं, और बाज़ार में ये सारा माल बेचते हैं। मेहनत करते हैं बेचारे और अच्छा मतलब कमाते हैं। और बच्चों के मतलब कपड़े भी, इनर वगैरह सब बेचते हैं ये। इस तरीके से बिजनेस होता है दोस्तों। अब इधर देखिए गर्म कितने कितने अच्छे मतलब इन्होंने मतलब लगा रखे हैं ये बच्चों के हजरत ने। और ये दुकान अभी सुबह का वक्त है तो ये खुल रही है बाज़ार, अभी कस्टमर नहीं आए हैं दोस्तों। चारों तरफ गर्म ही गर्म माल बिकता है। ये टांडे के पास डूंगरपुर की बाज़ार लगती है, ये मुरादाबाद में लगता है दोस्तों। इधर देखिए इस भैया ने टोपो की दुकान इतनी बढ़िया तरीके से सजा रखी है। ये देखो बच्चों का हर साइज मिलता है, यानी कि जीरो साइज से लेकर कितना भी बड़ा बच्चा हो उसका अच्छे से अच्छा वैरायटी का टोपा यहाँ मिल जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा मशवरा जो था वो ये था कि चारों में अगर हम ये बिजनेस करें तो इसका बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और दोस्तों आप देखिए, मैंने आपको कोई ऐसा बिजनेस नहीं बताया है, ये मैं पढ़ता हुआ हूँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में। वरना बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं और कहते हैं कि ये वाला काम कर लो, 1000 रुपये लगाओ और 10000 कमाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो जो बास्केट वगैरह हैं, ये भोजपुर के अली भाई हैं हमारे, ये बास्केट बेच रहे हैं। और जी इधर को देखिए सब चारों तरफ गर्म ही गर्म बिक रहा है दोस्तों, क्योंकि जाड़ों का मसला है। ये बच्चों की बिछौनी देखिए, ये भी जाड़ों में गर्म मिलती है। ये भैया आपको दिखाएंगे, भैया यार बिछौनी दिखाना जा रहा है, ये वाली ये जो यहाँ भी रखी है हमने, ये देखो भैया दिखा रहे हैं ये इन पे बिछौनी आपको मिलेगी, ये एकदम गर्म बिछौनी मिलेगी। बहुत बढ़िया दुकान लगाते हैं ये, गर्म माल बेच रहे हैं। और दोस्तों ये अच्छा बिजनेस है जाड़ों पे मतलब का। इसमें जो है ये देखिए गर्म मोजे मिलेंगे आपको, ये 50 रुपये के 3 जोड़ी मोजे बेचते हैं दोस्तों। अब आप लगा लिए 50 की 3 जोड़ी हैं, अगर 25 रुपये के भी मिले तो 25 रुपये बच जाते हैं, बेचारों को मजदूरी अच्छी पड़ जाती है। इसलिए आप लोगों से हमने बिजनेस का आइडिया दिया है कि अगर ये बिजनेस हो तो जाड़ों में जाड़ों को ही होना चाहिए। अब इधर आ जाइएगा, जो रात को कम्बल ओढ़ते हैं हम तुम, तो ये गर्म कम्बल हजरत बेच रहे हैं। हजरत ओ हजरत हजरत लगता है हजरत मोबाइल में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, हजरत को आवाज आ गई है। अब ये खुद ही आपको कम्बल दिखाएंगे, ये देखिए फैंसी कम्बल एकदम, ये किलो से बेचते हैं हजरत। और इसमें ये पूरे जाड़ों ये बेचेंगे सर्दियों के मौसम में, और अच्छा मुनाफा होता है दोस्तों इसमें भी। शुक्रिया साहब, थैंक यू। ये देखिए सर्दियों का बिजनेस, ये देखिए बच्चों की लड़कियों की मतलब जैकेट वगैरह और कुछ भी लिए है ना दोस्तों गर्म, क्योंकि ये लोग साल के 12 महीने इस काम को करते हैं। इसको उन्हें पता होता है कि जाड़ों में कौन सा माल रखना है, गर्मियों में कौन सा रखना है। इस बिजनेस में हम अगर पैसा लगाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लोग बहुत बहुत पैसा लगाते हैं इसमें। यूट्यूब पर आगे बोल देते हैं 2000 रुपये लगा, 10000 रुपये रोज कमाओ, ऐसे कुछ नहीं है। ये देखिए नसीम अख्तर हैं भोजपुर के, और इधर ये जितने भी हैं, ये देखिए हामिद साहब ये लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये नसीम अख्तर बैग बेच रहे हैं, ये बच्चों की मतलब गर्म चीज़ें बिक रही हैं। आप लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं,
अगर पैसा लगता है दोस्तों, हर चीज में पैसा लगता है, ऐसा नहीं है बिना पैसे के काम हो जाए। चलो आगे चलते हैं। देखिए मोजे हैं, ये मोजा होता है, ये बच्चों के भी मिल जाते हैं, छोटे बच्चों के भी, सब छोटे बच्चों का है। ये बच्चों की कमलिये होती हैं, जरा दिखाइए यार, देखो ये जाड़ों का आइटम बेच रहा है, एक कमलिया दिखवा दो हम, ये खोल के कमलिया, ये बच्चे की ये जाड़ों में काम आती है, इनकी भाई सब की ये दुकान है, देखो ये पूरी दुकान लगाते हैं इस तरीके से, ये पूरी दुकान लगाते हैं और ये कमलिया बेच रहे हैं, ये बाजार लग रहे हैं, ये कम्बल हैं हमारे हजरत के कम्बल। हजरत हजरत कम्बल उठा के दिखा दिए, ये कैसे कर दो, ये कम्बल, ये होता है कम्बल, इसका आरज कितना आ रहा है, अच्छा आरज बड़ा है, ये तोल से किलो से देते हो, अच्छा किलो से मिलता है ये सारा माल, अच्छा ठीक 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 ठीक, शुक्रिया साहब, थैंक यू। गर्म की वीडियो सर्दी आ गई तो गर्म की गर्म की बना रही हूँ, देख ले आज ये साले हैं, लग रही है दोस्तों। सर्दियों के मौसम की आपको वीडियो दिखाई गई थी लेके बाजार में जाकर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और WH वली चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको दिखा सकें और हम आगे को और मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमारी सारी वीडियो के देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।